ऐसा जीवन जियो कि 100 साल तक तुम स्वयं स्वस्थ रह सको और स्वयं स्वस्थ और समृद्ध बनते हुए एक स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली भारत का निर्माण कर सको। उसके लिए कल से ही एक तो ये नियम ले लेना है कि सुबह उठ करके योग करना। तो मुझे लगता है काफी तो करते होंगे, कितने ऐसे हैं जो कर रहे हैं रोज या कभी कभी, जिधर हाथ ठाइयो, और जो नहीं कर रहे हाथ ठा लो कल से करियो, नहीं तो भगवान ठाएगा तुमने। तो भाई जो योग नहीं करेगा तो रोग हो गया, ये तो जीवन की हकीकत है। तो आप लोग कल से योग जरूर करियो और अपना योग के साथ आयुर्वेद, जैसे हमारे राव नरवीर सिंह कह रहे थे, यह देशो देश है जो आयुर्वेद का जनक है। विश्व में प्रथम बार हेल्थ एजुकेशन से लेकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टैक्सेशन पॉलिटिकल सिस्टम फैमिली सिस्टम सोशल सिस्टम स्पिरिचुअल सिस्टम पूरे विश्व को मार्ग दिखाने का काम, एतद् देश प्रसूतस्य सकासा दग्र जन्मनाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरं पृथिव्यां सर्व मानवा। ये भारत वो देश है जिसने पूरी दुनिया को दिशा दी है। हम उन ऋषियों के वंशज हैं और अपने पूर्वजों के पथ पर चलते हुए हम योगी बने, निरोगी बने, एक दूसरे के सत्कर्म में सहयोगी बने, राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबका और श्रद्धे आचार्य जी का इस विशेष कार्य के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। बोले भारत माता की। उपयोगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए सहयोगी बने। देवेश्वर एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन कीजिएगा। कितने ऊर्जा भरा वक्तव्य स्वामी जी का रहा है, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और इससे पहले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करें, हम उस पूरी टीम को मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित कराना चाहेंगे जिन्होंने 2 साल की बहुत कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर इस परियोजना को सिरे लगाया है। उनके सब जो वैज्ञानिक हैं हमारे सामने हैं, बारी बारी से जल्दी जल्दी आकर अपना सम्मान मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वो ले लेंगे और स्वामी जी का आशीर्वाद उनको मिलता ही रहेगा। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। निश्चित तौर पर आपने इन सभी वैज्ञानिकों का जो जितनी तकलीफ थी, जितनी कष्ट थी, उस पर मरहम का काम किया है। इनका सबका हौसला आपने बढ़ाया है। और अब देवी और सज्जनों, कोई देरी ना करते हुए जिनको सुनने के लिए बहुत बेताबी से बहुत प्रतीक्षा आप कर रहे थे, बहुत शिद्दत से आप इंतजार कर रहे थे, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा जो अपने मन में रखते हैं, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर जो चलते हैं और दिन रात हम सब के लिए, हम सब के दुख दर्द की जिनको चिंता रहती है, तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए आमंत्रित करें माननीय श्री मनोहर लाल जी को। प्रातः काल के अमृत वेला में शिवालय की इन गिरिमालाओं में आदरणीय योग ऋषि बाबा रामदेव जी और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बालकिशन जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़े जागरण का काम किया। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि ये जो विश्व औषधीय वन परियोजना, इसके तहत हरड़ वाटिका का यहां उद्घाटन किया गया है और साथ ही उच्च तकनीक औषधीय पौधशाला इसका शिलान्यास किया है। जड़ी बूटियों से संबंधित पूरे ज्ञान विज्ञान को दर्ज करने वाली 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है। इन सभी अवसरों पर मैं आप सबको, संबंधित सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे इस
विश्व औषधीय वन परियोजना, जिसको वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट के नाम से देश में ही नहीं तो दुनिया में भी प्रसारित करने वाले इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए मैं हरियाणा के वन विभाग और पतंजलि योगपीठ दोनों को ही बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत आभार भी प्रकट करता हूं कि इस क्षेत्र की ये विशेष जो हमारी एक संपदा है, इस संपदा को देश और दुनिया में उन्होंने नाम दिया है। स्वामी रामदेव जी के बारे में हम सब जानते हैं कि योग को न केवल देश में ही बल्कि दुनिया में एक स्थान प्रस्थापित कराने के लिए, योग को प्रतिष्ठित करने के लिए जो अभियान चलाया, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है इसको दुनिया में स्थान दिलाया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके अथक प्रयासों से देश के 170 देशों ने, दुनिया के 170 देशों ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो बनाया, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारा जो आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके जो जड़ी बूटियों के संबंध में जितना ज्ञान, जितना भंडार, जितना हमारे आयुर्वेदाचार्य श्री बालकृष्ण जी के पास है, और जिस एक तन्मयता से, जिस एक दृढ़ निश्चय से, जैसा आपने बताया कि सारे हरियाणा भर में अभी तक हमारे पास 1052 स्पीशीज का ही एक, जिसको कहना चाहिए एक दर्ज था हमारे रिकॉर्ड में, लेकिन आपने इसी क्षेत्र में मोरनी में घूम करके कितनी 53 जड़ी बूटियों का भी उसके अंदर शामिल करा लिया है। यानी किसी चीज को ढूंढना, उसको एक ख्याति प्राप्त कराना, उसको दर्ज कराना, एक रिकॉर्ड बनाना, बड़ा गर्व है हमको कि ये संख्या जो 1052 थी अभी वो 1115 हो गई। एक बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है। और पिछले 3 वर्ष से, जब से ये विषय चला कि हमको कोई एक हर्बल पार्क, हर्बल वन इस प्रकार का कोई एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसके लिए मोरनी को चुना गया, तो उस समय हमको भी लगता था कि आखिर ये कल्पना मात्र तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होकर के कैसे धरातल पर आएगा, बहुत सी शंकाएं उस समय थी। हमारे अधिकारियों ने भी कई प्रकार की शंकाएं खड़ी की, मीडिया ने भी खड़ी की, विपक्ष के लोग तो बहुत चिल्ला चिल्लाकर आरोप लगाते रहे कि हजारों एकड़ जमीन बाबा रामदेव को दे दी गई है, ये आरोप लगाते रहे। लेकिन हमने भी दृढ़ निश्चय करके कि आखिर एक प्राकृतिक, एक अनुसंधान करके और मानवता की सेवा करने के लिए, इस इलाके का विशेष उसमें लाभ होने वाला है, उसके नाते से आयुर्वेद के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर इस देश ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं, उसमें आयुर्वेद भी एक चीज है। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और औषधीय पौधों के माध्यम से हम अपना स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा कर सकें, इसके अनुसंधान हो, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हरियाणा वन विभाग की ओर से जो हमने एक MOU किया, आज से 2 साल पहले वो MOU हुआ, उसमें से इस क्षेत्र के अंदर जो काम हुआ, मैं एक बार इससे पहले भी इस सारे प्रोजेक्ट को देखने के लिए आ चुका हूँ, जिसकी वो एक स्लाइड दिखाई गई जो बालकृष्ण जी ने बता रहे थे, एक झूले के ऊपर जबरदस्ती बैठा दिया मुझे और फोटो खींच लिया। ऐसा नहीं, कभी कभी हमको भी किसी जगह जा करके लगता है कि कितना रमणीक और कितना सुंदर वातावरण है। मुझे यकीन है कि केवल औषधीय पौधे नहीं, बल्कि देश और दुनिया के जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ आएंगे, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो एक आर्थिक स्थिति है वो निश्चित बदलेगी, हमको सबको इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मोरनी क्षेत्र हमारे लिए प्राथमिकता का विषय एक और कारण से भी है कि जैसे हम मानते हैं देश में हरियाणा जो है सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम का एक प्रदेश है, सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम 1,92,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये एवरेज हमारी इनकम है हरियाणा की, जो देश के बड़े प्रांतों में नंबर 1 पर है। लेकिन जब हम विचार करते हैं
कि हमारा कुछ क्षेत्र पिछड़ा हुआ भी है, तो उसमें दो क्षेत्र चिन्हित होते हैं हरियाणा के, एक मेवात है और एक मोरनी है। सबसे कम आय अगर प्रति व्यक्ति है तो मोरनी और मेवात में है। तुमको चिंता होती है अगर मोरनी के लोगों की आय क्यों कैसे बढ़ेगी, पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि भी होती है, लेकिन जितनी मैदानी इलाके में हम कृषि पैदावार ले सकते हैं उतना मोरनी में हम नहीं ले सकते हैं। तो वन क्षेत्र के अंदर डाइवर्सिफिकेशन के नाते सामान्य वन की बजाय औषधीय पौधों की ओर जाया जाए तो निश्चित रूप से इनकम बढ़ेगी। और मोरनी को इसके लिए चयन किया गया है, इसके लिए मैं मोरनी के लोगों को भी इसका मैंने एक प्रकार का श्रेय देता हूं कि उन लोगों ने मेहनत करके ये सारा काम किया है। तो मित्रों, मोरनी क्षेत्र के जो जड़ी बूटियों का इनका संरक्षण, इनका पालन, इनका संवर्धन, शोध, इसको बढ़ावा देने के लिए पतंजलि योगपीठ ने कुछ अपेक्षाएं हमारे सामने रखी हैं। स्वामी जी ने जैसा कहा कि एक नया विचार भी मन में, आज ही प्रातःकाल में बैठे थे अल्पार के ऊपर, तब विचार आया कि हमने शुरुआत तो कर दी है लेकिन इसकी शुरुआत में स्थायित्व कैसे आए, और स्थायित्व आने के लिए इसकी विशेष व्यवस्था को लागू करनी पड़ेगी। अभी तक इसको वन विभाग पतंजलि योगपीठ के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को चला रहा है, लेकिन सरकारी विभाग जिस प्रकार से काम करते हैं हमको मालूम है, प्रेरणा के नाते से सबकी प्रेरणा एक जैसी नहीं होती। आज एक अधिकारी उसकी प्रेरणा है, कल को दूसरा अधिकारी आया वो समझेगा मालूम नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और कब सरकारी योजनाओं को पलीता लग जाए पता नहीं लगता है। तो इसकी अलग व्यवस्था करनी चाहिए कोई। इसमें हमारा आयुष विभाग, उसका भी योगदान है। आखिर ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, ये कल को इसका उपयोग करना है तो ये आयुष विभाग इसका उपयोग करेगा। फिर इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन बढ़े उसका संबंध सीधा सीधा हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट पर्यटन विभाग के साथ है जुड़ा हुआ। स्थानीय लोगों की भी सहभागिता इसमें हो, कहीं केवल सरकारी एक प्रोजेक्ट बन के न रह जाए, तो स्थानीय लोगों का भी निश्चित रूप से उतना ही लाभ होना चाहिए जितना अपेक्षा की जा रही है। वैज्ञानिकों का भी इसमें, विभाग से बाहर के वैज्ञानिक, कुछ पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़े हैं, हो सकता है कुछ चार वैज्ञानिक ऐसे भी आ जाए जो पतंजलि योगपीठ के साथ अभी ना जुड़े हों, कहीं ना कहीं और हमको देश और दुनिया से मिल सकते हैं, ऐसे लोगों को भी सबको जोड़ करके। तो इसकी नई व्यवस्था बनाने के लिए हमने एक विचार किया है, हम अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग में उसको रखेंगे, मुझे लगता है जरूर सिरे चढ़ जाएगा, कि एक हर्बल कॉरपोरेशन हम अलग से बनाएंगे। हर्बल कॉरपोरेशन, जो जितने भी हर्बल या वन हैं, या हरियाणा में जगह जगह पर हमने हर्बल पार्क भी बनाए हैं, कुछ जिलों में हर्बल पार्क बने हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था उनकी बननी चाहिए उतनी बन नहीं पा रही है, और उसकी बढ़िया व्यवस्था बन जाए तो इस सारे को उपयोगी बनाने के लिए एक हर्बल कॉरपोरेशन हम बनाएंगे। और उस हर्बल कॉरपोरेशन के माध्यम से फिर जो अपेक्षाएं की गई हैं कि आखिर काम करने वाले लोगों को कोई ठहरने की जगह वो होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, आखिर पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी तो अतिथि देवो भव, हम ऐसे ही थोड़ी कहेंगे, अतिथि का सत्कार करना हमारा काम है, तो निश्चित रूप से ऐसे सरलों के लिए व्यवस्था भी हम करेंगे। हम उस कॉरपोरेशन के माध्यम से कोई एक नर्सरी, जिसको एक बेहतरीन नर्सरी का जिसका नाम दिया वर्ल्ड फेमस नर्सरी हो, ताकि उसमें से आसपास के लोगों को जो पौधे हैं लगाने के लिए वो भी मिलने चाहिए। ऑर्गेनिक क्लस्टर की आपने बात कही, मुझे लगता है कि जैसा सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र एक छोटा प्रदेश, वो टोटल मिला के ऑर्गेनिक है, उसमें इनऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होती है, पूरा प्रदेश ऑर्गेनिक प्रदेश है। तो हम उसी तर्ज के ऊपर कम से कम मोरनी का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको ऑर्गेनिक क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और इसमें निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की इकोनॉमी वो बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी ये चीज़ आज लोगों को जिस प्रकार का स्वास्थ्य में जैसा विकृतियां पैदा हो रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, वो हमारे खान पान का जो पदार्थ है उसी में से हो रही हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ की आज तलाश सबको है। हमारे संयोग से नज़दीक में चंडीगढ़ का बहुत बड़ा एक मार्केट एरिया है, पंचकूला है, मोहाली है, ये ट्राई सिटी के लोग अगर मोरनी क्षेत्र में ऑर्गेनिक पैदावार करते हैं तो ट्राइ सिटी के जो लोग हैं उनकी जो खपत है, उनकी आवश्यकता, वही पूर्ति हम शायद नहीं कर पाएंगे।
तो इस क्षेत्र में मैं अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ये कहूँगा कि वो इस प्रकार की योजनाएं बनाएं कि इस क्षेत्र के अंदर सारा ऑर्गेनिक होकर के उसमें सरकारी योजनाएं जितनी हैं उसका भी लाभ उनको मिल सके। तो मित्रों, इस प्रकार से हम व्यक्तियों के शारीरिक विकास के नाते, उनका मानसिक विकास के नाते, उनके स्वास्थ्य के नाते से ये सारी योजनाएं जब बना रहे हैं, उसमें आयुष विभाग भी अपना काम कर रहा है, योगाचार्य हमारे स्वामी जी तो उसमें लगे हैं, तो योग के नाते भी हमने जगह जगह पर इस प्रकार का जो भी कुछ आवश्यक होता हमने किया, गांव गांव में योगशालाएँ व्यायामशालाएँ ये बना रहे हैं ताकि समाज के अंदर व्यक्तियों को स्वास्थ्य के बारे में और अधिक जागरूकता आए और वो उसका यानी एक प्रकार से अपने शरीर को लाभ पहुँचाने के लिए योग की ओर आकर्षित हो सके। ऐसे ही आयुष के नाते भी सारे प्रदेश में कई योजनाएं हमने चलाई हैं। पंचकुला में एक 300 बेड का 500 करोड़ रुपए की लागत से एम की तर्ज पर राष्ट्रीय आयुर्वेदिक और योग संस्थान एम्स ये बनाया जाएगा। इसके लिए वहाँ मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में जमीन वो हमने ट्रांसफर कर दी है उनके नाम और बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होकर के केंद्रीय परियोजना है तो इसका एक संस्थान वहाँ बनाया जाएगा। हमने दक्षिण हरियाणा में झज्जर जिले में देवरखाना गांव में सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी इसको भी बिल्डिंग बन गई है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है और उस प्रकल्प को बहुत जल्दी उसको शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर जो श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, अब एक यूनिवर्सिटी आयुर्वेद की और ये देश में आयुर्वेद की यानी आयुष की पहली यूनिवर्सिटी, पहला विश्वविद्यालय ये होगा जिसका शिलान्यास हो चुका है और बहुत जल्दी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव इतना है कि प्रदेश में आयुष पद्धति के प्रसार और प्रचार की प्रगति के लिए हम कटिबद्ध हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को, आदरणीय स्वामी रामदेव जी को, आयुर्वेदाचार्य हमारे बालकिशन जी को और वन विभाग के सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर कि इस कार्यक्रम को हम लोगों ने संपन्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।